आइंदा 21 जुलाई को तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की शहीद दिवस रैली होने जा रही है और जिसको लेकर टीएमसी के सभी विंग ने मैदान में उतरकर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। और इस संबंध में आज रात महानगर कोलकाता के मटिया ब्रुज मीठा तालाब इलाके में पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की ओर से एक पब्लिक रैली का आयोजन किया गया, जिसकी सरपरस्ती स्थानीय तृणमूल नेता और पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अमीन अंसारी ने की। वहीं इस जलसे में दक्षिण 24 तृणमूल कांग्रेस के सभापति और राज्यसभा सांसद सुभाषिश चक्रवर्ती के अलावा मटिया ब्रुज के एमएलए अब्दुल खालिक मुल्ला, टीएमसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अली, साबिक काउंसलर रहमत आलम अंसारी, काउंसलर मुश्ताक अहमद बाच्चू, काउंसलर मोहम्मद अबू तारिक मुल्ला के अलावा इमरान खान, चांद अंसारी, मोहम्मद कलीम व अन्य टीएमसी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबों ने एक सुर में कहा कि देश को सिर्फ ममता बनर्जी जैसी सेक्युलर नेत्री ही लीड करने के लायक है, इसलिए ममता बनर्जी के बुलावे पर आइंदा 21 जुलाई को मटिया ब्रुज इलाके से एक इंसानी समुंदर धर्मतल्ला के लिए रवाना होगा। ये बंगाल का हर कोना कोना में हो रहा है, बंगाल का हर बंगाली के अंदर में दीदी बैठा है, इसीलिए हर मोहल्ला में, हर गली में, हर घर में अभी एक ही बात चल रहा है, शहीद दिवस जो है उसको कैसे सक्सेसफुल किया जाए। लेकिन देखा जा रहा है कोरोना का काफी तादाद बढ़ रहा है और 21 जुलाई को करना क्या ठीक होगा? कोरोना अभी कमजोर हो गया, कोरोना से डरो ना, मत डरो अभी। ये मटियापुर जी एक ऐसा जगह है जो लास्ट 2 इयर्स में जब टोटल पूरा वर्ल्ड इसे सफर कर रहा था, ये मटिया पुरुष सबको रास्ता दिखाया, तो आज भी मटिया पुरुष ही सबको रास्ता दिखाएगा। रहमत साहब, काफी दिनों के बाद आप एक बार फिर से अशोक हरास के साथ सियासी मंच में आप दिख रहे हैं, क्या बोलेंगे? हम कब सियासी मंच में नहीं थे? कुछ महीनों के बाद दिख रहे हैं, देखा जाए कुछ महीनों के बाद। 21 जुलाई आया, 21 जुलाई की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, 21 जुलाई की तैयारी कर रहे हैं। रहमत अंसारी मैदान में था, मैदान में है और मैदान में रहेंगे। क्या मैसेज देंगे यहाँ से रहमत भाई? मेरा दोस्त ने जो बात हमको बोलना था, मेरा दोस्त मेरा भाई हमको बोल दिया। ये शेख मुश्ताक भाई 139 के काउंसलर, बहुत ही फेमस काउंसलर है, और एक आदमी के वार्ड में जितना वोट होता है उससे ज़्यादा वोट से ये जीते हैं, लगभग 20,000 के ऊपर वोट से ये जीते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि 21 जुलाई को ममता बनर्जी के पुकार पर मटियापुर सरजमीन से हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला के नेतृत्व में तमाम काउंसलर, हम तमाम वार्ड के ब्लॉक प्रेसिडेंट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस मीटिंग में शामिल होकर इस मीटिंग को कामयाब करेंगे, यही हम लोगों का असल टारगेट है। देखिए 21 जुलाई जो है शहीद दिवस, हम उसे कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि 1993 में ये इंसान अमीन अंसारी भी ममता बनर्जी के साथ था और अल्लाह ने मुझे उस वक्त बहुत बचा लिया कि मैं टीपू सुल्तान मस्जिद में दाखिल हो गया, नहीं तो आप हम भी नज़र नहीं आते, ऐसा भगदड़ हो रहा था। तो हमारे 13 कर्मी शहीद हुए, हम उनकी याद में ममता बनर्जी की क़यादत में आज 1993 से लेकर हर साल हम लोग 21 जुलाई मनाते हैं, उसकी एक कड़ी आज मीठा तालाब मस्जिद के सामने में हम लोगों ने एक पब्लिक मीटिंग किया है और ये बताया लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने के लिए 21 जुलाई के रैली में एक एक घर से नौजवान माँ बहन निकल के जाएंगी, हमारे MLA साहब हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला क़यादत में। और हम लोगों ने कहा है, हमारे MLA ने कहा है हम 10,000 आदमी ले कर जाएंगे, मगर हम लोगों ने MLA साहब को हिम्मत दिया कि आप सेकंड पोजीशन पे यहां से कामयाबी हासिल किए थे, इसलिए MLA साहब के कयादत में हम लोग यहां पर 10,000 नहीं बल्कि 20,000 आदमी यहां से लेकर के ब्रिगेड में जाएंगे। 2 साल के बाद आप लोग का ये रैली हो रहा है, 2 साल कोविड के कारण, तो कितना जोश भरोसा आप लोग के अंदर? देखिए 2 साल तक हम लोगों ने कोरोना के लेकर के कोई भी कदम नहीं उठाया, हम लोग अपने अपने इलाके में हर बूथ में
हमारी दीदी ने निर्देश दिया था, हम लोग शहीद दिवस का पालन कर रहे थे, मगर इन साल एक ऐसा खुशी का माहौल है और लोग हर तरफ गांव गांव में, हम तो बहुत से जगह गए, गांव गांव, ग्राम ग्राम, पंचायत पंचायत में सब लोगों ने कहा है कि 21 जुलाई को जो रैली है एक तारीखी रैली होगा और तारीखी स्पीच होगा, हमारी ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा बयान देंगी कि बीजेपी का तख्ता हिल जाएगा और आने वाला दिन में दिल्ली से बीजेपी को भागना पड़ेगा। हमारी नेत्री ममता बनर्जी कोई पद के लिए न वजीर आजम की ख्वाहिशमंद है, न राष्ट्रपति की ख्वाहिशमंद है। दुनिया ने देखा कि हमारे तृणमूल में कांग्रेस में आने वाले एक लीडर को, यशवंत सिन्हा को आपने कैंडिडेट बनाया। ममता बनर्जी उस शख्सियत का नाम है। ममता बनर्जी सिर्फ मुल्क में फिरका परस्त ताकत को ख़त्म करने के लिए आज पूरे मुल्क में घूम रही हैं और हिंदुस्तान में अगर कोई अक़लियत का मसीहा है तो उसका नाम ममता बनर्जी है, अगर कोई मुसलमानों का मसीहा है तो उसका नाम ममता बनर्जी है। जब भी मुसलमानों पर आँच आया है तो ममता बनर्जी पीछे नहीं थी, कलकत्ता के सड़कों पर थी, दिल्ली के सड़कों पर थी। इसलिए ममता बनर्जी खिलाफ में जो लोग साजिश कर रहे हैं उनको होश में आना चाहिए कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में भारत की निगाह ममता बनर्जी के तरफ है और ममता बनर्जी एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी बार बार बोलते हैं कि टीएमसी पार्टी ने, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना दिया। देखिए शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, जिसको कहा जाता नीमा खराम, नीमा खराम मेरे नाम पे FIR कर दे, कोई परवाह नहीं, मीडिया के जरिए मैं बोल रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी एक गुंडा, एक बदमाश, जो ममता बनर्जी ने इसलिए उनको निकाला है कि उन्होंने पार्टी को बदनाम किया और आज जो है वो बीजेपी में जा करके वो कहते हैं ममता बनर्जी बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना रही हैं। बंगाल मिनी पाकिस्तान नहीं है बल्कि मिनी हिंदुस्तान है, यहाँ हर कल्चर हर तहजीब के लोग रहते हैं, मंदिर मस्जिद एक साथ है। जब यहाँ पर वो शुभेंदु अधिकारी को मालूम होना चाहिए जब दुर्गा पूजा का मंडप सजता है तो मुसलमान सर पर टोपी लगा करके माँ दुर्गा का मूर्ति को लेकर दरिया में लेके जाते हैं और वहाँ पर पूजा में शामिल होते हैं। जब ईद की नमाज होती है तो हमारे हिंदू भाई हमारे साथ खड़े होकर के शमई खाते हैं और हमारे साथ कौमी एकजहती का एक नमूना बन जाते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी मादर सेकुलर है। ममता इस बार का 21 जुलाई का रैली पिछला सारा रिकॉर्ड को तोड़ देगा एकदम, आप ऐतिहासिक होगा। आप देखिए खाली बंगाल से लोग नहीं आ रहे हैं, हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, बिहार यूपी झारखंड उड़ीसा हर तरफ से, दो दिन पहले से लोग आ जाएंगे। हम लोगों ने हर तरफ तैयारी कर लिया है, सियालदह स्टेशन, हावड़ा स्टेशन, बस अड्डा, और जो लोग पहले से आएंगे उनके रहने के लिए खाने के लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर लिया। आखिरी सवाल, शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा जिस तरह से हम लोगों ने महाराष्ट्र को लिया है 2024 में हम लोग पश्चिम बंगाल को भी ले लेंगे। देखिए शुभेंदु अधिकारी एक जोकर है, जोकर जो है मुंगेली लाल का ख्वाब देखना कोई बुरा नहीं है, तो मुंगेली लाल का ख्वाब देख रहा शुभेंदु अधिकारी को भी बहुत कोशिश कर रहा है तृणमूल कांग्रेस में आने के लिए, मगर तृणमूल कांग्रेस में उसके लिए 1 इंच भी जमीन नहीं है और भी बहुत कुछ बकेगा। कितने लोग चले आए हैं, घर छोड़ के गए, घर में चले आए, और 21 जुलाई को आप देखिएगा कितने लोग स्टेज पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल TMC ज्वाइन करेंगे। देखिए ये 1993 का ये ऐतिहासिक दिन रहा है हम लोगों के लिए जो आज तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं। हम लोग उस दिन, हम लोग उस वक्त का गवाह है, हमारे साथ ये टीम भी थी उस वक्त। आज से 1993 में जब ममता बनर्जी ऐलान किया था CPM के खिलाफ में कि नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट, उस वक्त क्या होता था कि CPM वाले बहुत रिगिंग करते थे तो किसी को वोट देने मिलता नहीं था, तो आइडेंटिटी कार्ड होने से क्या होगा कि पहचान पत्र होगा, अपना वोट देंगे। उसमें CPM और उस वक्त की जो सरकार थी मिली भगत चल रही थी, तो उस वक्त ये डिमांड नहीं मानने के बिना पर एक ओवरऑल लेफ्ट फ्रंट ज्योति बासु की सरकार थी, फेलियर हो रही थी। ममता बनर्जी ने अपना ये ऐलान किया कि महाअभियान राइटर्स बिल्डिंग, उस वक्त राइटर्स बिल्डिंग में
ज्योति बासु बैठते थे, तो तमाम चार कोना से उस वक्त हम लोग भी पार्क स्ट्रीट मेयो रोड में हम लोग भी पहुँचे हुए थे, और हमारे बहुत सारे कर्मी और हमारे वो भाई 13 नौजवान जो पुलिस की गोली से मारे गए वो भी उस वक्त उसमें शहीद हुए थे। तो हम लोग उसकी याद में ये हर साल तृणमूल कांग्रेस जब से हम लोग जन्म लिया है उस वक्त से ये परंपरा रही है कि उस शहीद को याद किया जाए 13 नौजवानों को, और उनको ममता बनर्जी ने अपने दफ्तर में हुकूमत आने के बाद नौकरी भी दे दी, और वो नौकरी भी कर उनकी वालदा माँ जो है जो हयात में वो सब कल 21 तारीख को रहेंगी। आज भी मुल्क में इसी तरह का एक ताकत पूरे मुल्क में एक ऐसा एहजान फैलाई हुई है कि पूरे मुल्क के लोग परेशान हैं, उससे अगर कोई लड़ रहा है तो ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत के साथ उसका जवाब दे रही है। तो आज हम लोग को भी चाहिए कि ममता बनर्जी की इस 21 तारीख के अभियान में आम लोग शरीक हो। आने वाले दिन में सिर्फ CPM नहीं बल्कि जो मुल्क में फासिस्ट ताकत है फिरका परस्त उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको एकजुट होकर ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करना होगा। अमीन अंसारी की नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर बहुत बड़ा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे 124 परगना जिला सभापति सुभाषिश चक्रवर्ती साहब आए थे, हमारे मास्टर साहब यहाँ पर है, हमारे इमरान भाई है, अमीन अंसारी साहब को स्टेट कमेटी ने जिम्मेदारी दी थी कि 124 परगना मटिया ब्रिज में आप प्रोग्राम के, हमें खुशी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। बहुत सारे लीडर आ रहे हैं, आएंगे भी, मीटिंग बाद में भी चलेगी, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेट तृणमूल कांग्रेस माइटी सेल से कि उन्होंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट अपने जिम्मेदारी को निभाए। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके पूरे टीम को मुबारकबाद देता हूँ।